प्रधान जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम किशोर कुमार जी, ग्राम पंचायत ससई का प्रधान। अच्छा, कौन सी पंचायत जी? ससई पंचायत जी। आप ससई पंचायत के उप प्रधान है? हाँ जी। आपको किसने बताया कि जो ब्यास नदी में ड्रेजिंग कार्य हो रहा है देवलोक के समीप? ये सर हमारा जो गांव है यहाँ से बिल्कुल साफ नजर आता है, और हमारी 95 में सारी जमीनें खड़ में चले गई थी, उस बाद इसकी कोई रखवाली नहीं, कोई दंगे लगे। हमने पंचायत लेवल पे कुछ लगाए थे, और आज जब हमने सुबह पिछले कल देखा था इन्होंने जेसीबी लगाई थी। हम इनसे मिले थे पर इन्होंने माने नहीं। हमने मंत्री साहब से बात की, खान साहब से भी, उन्होंने बोला था कि इसको रोको मत करो, पर इसके बावजूद माने नहीं। फिर आज फिर गांव वालों ने फिर इसका विरोध किया। मैं बोला कि आज वो फिर खनन कर रहे हैं। फिर हम गांव वाले पूरे आए, फिर पुलिस को इन्फॉर्मेशन की, हमने खनन विभाग को फॉर्म किया, तब जाके इनका आज काम इनका जेसीबी लगा था। अब कौन ठेकेदार है ये तो मालूम नहीं, किस ठेकेदार का है। अभी इसका क्या करते हैं विभाग वाले, क्या जाने। हमें कोई ये बोलते हैं कि हमारे पास NOC मिली है। तो इस जो ये ब्यास नदी में आज जो ड्रेजिंग कार्य आप लोगों ने देखा, तो इससे मतलब आपकी पंचायत को क्या नुकसान हो रहा था? ये हमारी सारी जमीन है जी, घर है जो गांव रंगड़ी के, ये पीछे भी खत्म हो चुके हैं, और अभी भी देखो सारा मकान आधा बिल्कुल मकान साथ पहुँच गई है। अगर इसको ड्रिलिंग करते हैं ये तो सारा पानी हमारी जमीन को जाएगा, और हजारों 100 बीघे जमीन पहले भी चलेगी। ये सब इसके शिकार हो चुके हैं लोग, इनके भी इनका मकान था हमारे किसी का, इनका ये भी कर्मचारी इनका भी घर है, और ये बिल्कुल एज भरे बैठे हैं। हम चाहते हैं कि ये बिल्कुल खन बंद हो हमारा। बाकी कोई शासन यही अनुरोध है कि नदी में कोई छेड़खानी ना की जाए। तो क्या मतलब आपने कोई पुलिस को या खनन विभाग को इसकी शिकायत की है? हाँ जी, हमने पुलिस को विभाग की शिकायत की थी, पुलिस वाले मौके पर आई और खनन विभाग वाले भी मौके पर आए। धन्यवाद।